क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार ने एक फैसला लिया है जिससे पेट्रोल डीजल के दाम कम होने की संभावना है। जी हाँ, सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि वो अपने स्ट्रैटेजिक यानी कि इमरजेंसी पेट्रोलियम रिजर्व में से 50 लाख बैरल यानी कि 80 करोड़ लीटर तेल रिलीज करेगी। माना जा रहा है कि इससे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आ सकती है। भारत से पहले अमेरिका भी इसी तरह का फैसला ले चुका है और आने वाले दिनों में कई और देश ऐसा फैसला ले सकते हैं। तो आज के नो दिस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्ट्रैटेजिक रिजर्व क्या होता है, भारत को ये फैसला क्यों लेना पड़ा, साथ ही बताएंगे कि क्या वाकई इस फैसले से आपकी जेब को राहत मिल सकती है। बस आप वीडियो के आखिर तक बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले जानते हैं कि स्ट्रैटेजिक रिजर्व क्या होता है। दरअसल पूरी दुनिया में कई सरकारें और प्राइवेट कंपनीज मिलकर कच्चे तेल का एक भंडार अपने पास रखती हैं। अगर कभी कोई बहुत बड़ा बिजली संकट आए या तेल की सप्लाई में कोई बड़ी रुकावट आ जाए तो उससे निपटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आसान भाषा में कहें तो ये इमरजेंसी कंडीशन में देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कच्चे तेल का स्टॉक है। युद्ध या किसी और वजह से कच्चे तेल की आपूर्ति पर असर होने पर भी इन रिजर्व में से देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जाता है। इसके अलावा इन रिजर्व्स का इस्तेमाल तेल की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है। आपको बता दें कि अमेरिका, चीन, जापान, भारत, यूके समेत दुनिया भर के कई देश ऐसा भंडार रखते हैं। 1973 के तेल संकट के बाद भविष्य में इस तरह के संकटों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी नाम की एक संस्था बनाई गई थी। इसके 30 सदस्य हैं और 8 सहयोगी सदस्य। सभी सदस्य देशों के लिए कम से कम 90 दिनों का तेल का भंडार रखना जरूरी है। भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का सहयोगी सदस्य है। भारत में कहां कहां पर स्ट्रैटेजिक रिजर्व है? विशाखापत्तनम, मंगलौर, उडुपी के पास पादुर में भारत ने फर्स्ट फेज के तहत स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाए थे। इन तीनों रिजर्व में 50 लाख मीट्रिक टन कच्चा तेल स्टोर किया जा सकता है। आपको बता दें कि इन रिजर्व को ऑपरेट करने का जिम्मा इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड को दिया गया है, जो कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंडर ही काम करता है। इतना ज्यादा कच्चा तेल कैसे स्टोर करते हैं? आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतने ज्यादा कच्चे तेल को किस तरह स्टोर किया जाता है, तो हम आपको बता दें कि हर देश का कच्चे तेल को स्टोर करने का अपना तरीका है। जैसे कि अमेरिका अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स का कच्चा तेल सॉल्ट डोम में स्टोर करता है। सॉल्ट डोम यानी जमीन के 2 से 4 हजार फीट नीचे चट्टानों के बीच के नमक को निकालकर खाली जगह में कच्चा तेल स्टोर करना। वही भारत में स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स को रॉक कैवर्न्स में स्टोर किया जाता है। रॉक कैवर्न्स यानी चट्टानों के भीतर गुफानुमा स्टोरेज, इसमें चट्टानों को तोड़कर गुफानुमा स्टोरेज बनाया जाता है जिसमें कच्चा तेल स्टोर होता है। कच्चे तेल को स्टोर करने का ये तरीका दुनिया भर में सबसे सेफ माना जाता है। भारत को ऐसा फैसला लेने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल खाड़ी देशों के साथ साथ कच्चा तेल उत्पादक देशों ने इन दिनों कच्चे तेल का प्रोडक्शन सीमित रखा हुआ, जिससे इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। भारत, अमेरिका समेत कई बड़े कंज्यूमर कंट्रीज प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कहते रहे हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। वहीं भारत ने अमेरिका के कहने पर अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल रिलीज करने का फैसला लिया है। अमेरिका और चीन सहित बाकी सदस्य देश भी लगभग एक ही समय पर अपने भंडारों से कच्चे तेल की निकासी कर सकते हैं, जिससे कीमतें नीचे आने की संभावना है। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल नो दिस।